यहाँ पर हम देखें जैसे कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ आरएलसी सर्किट विल इंक्रीज, तो आरएलसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर कब इंक्रीज होगा, जब हम इनमें से क्या करते हैं आर को अगर डिक्रीज करते हैं, क्वालिटी फैक्टर आरएलसी सर्किट का वो इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन क्यू फैक्टर ऑफ सर्किट इज हाई, हाई अगर हो किसी सर्किट का क्यू फैक्टर यानी क्वालिटी फैक्टर हाई हो, तो उस टाइम पर पावर फैक्टर कैसा होगा उसका या इम्पीडेंस कैसी होगी, तो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज हाई। अगर क्यू फैक्टर ऑफ सर्किट हाई है तो उसका मतलब क्या है, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट हाई होगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर ऑफ सीरीज आर एल सी सर्किट इज रिलेटेड टू हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी हमारे पास में एफ वन और एफ टू इनसे किस तरीके से रिलेटेड होती है, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है सीरीज आर एल सी सर्किट की, तो सीरीज आर एल सी सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है एफ आर इक्वल टू अंडर रूट में एफ वन एफ टू, इससे हम क्या करते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे कि एन अल्टरनेटरिंग इज रिलीविंग पावर टू बैलेंस लोड एट यूनिटी पावर फैक्टर, द फेज एंगल बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड लाइन करंट, तो लाइन वोल्टेज लाइन करंट के बीच में फेज एंगल क्या होगा जब अल्टरनेटर डिलीवर कर रहा है पावर को बैलेंस पर एट यूनिटी पावर फैक्टर पर, तो उस कंडीशन के अंदर ये होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि ई ओ ए ई ओ बी ई ओ सी आर थ्री फेज वोल्टेज, वाइल ई ए बी ई बी सी ई सी ए आर थ्री लाइन वोल्टेज ऑफ बैलेंस थ्री फेज सिस्टम हैविंग ए बी सी फेज सीक्वेंस इन रिलेशन टू ई ओ सी ई बी सी बोर्ड बी, तो यहाँ पर हम देखें क्या होगा, ये 30 डिग्री लीड करेगा जो ई ओ सी होता है ई बी सी से, 30 डिग्री लीड करेगा यहाँ पर किसके अंदर, थ्री फेज सीक्वेंस के अंदर। थ्री फेज सीक्वेंस वाइल ये है हमारे लाइन वोल्टेज से, लाइन वोल्टेज से जो फेज वोल्टेज होता है ए बी सी फेज सीक्वेंस होगा हमारा, तो उसमें लाइन वोल्टेज से फेज वोल्टेज है वो 30 डिग्री लीड करेगा। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि ए डेल्टा कनेक्टेड लोड हैज एन इम्पीडेंस ऑफ 9 एंगल 30 डिग्री पर फेज, व्हाट इज द इम्पीडेंस पर फेज इट्स इक्विवेलेंट स्टार, तो डेल्टा में अगर 90 एंगल 30 है तो स्टार में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जब स्टार में इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो स्टार में इसकी वैल्यू आएगी 3 एंगल 30 डिग्री। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि यहाँ पर एक ये देखें तो क्या होगा, 3 एंगल 30 डिग्री आ जाएगा किसके अंदर, स्टार के अंदर, जबकि डेल्टा के अंदर अगर लोड कनेक्टेड है ए बैलेंस डेल्टा कनेक्टेड लोड है इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस पर फेज रखिए 9 एंगल 30 डिग्री, तो ये इम्पीडेंस है पर फेज एक स्टार के अंदर आ जाएगी 3 एंगल 30 डिग्री। इन ए थ्री फेज सिस्टम दी ई एम एफ है वो कितनी होगी, थ्री फेज सिस्टम के अंदर, थ्री फेज सिस्टम के अंदर ई एम एफ होगी 120 डिग्री, ई एम एफ है आपस में एक दूसरे से डिस्प्लेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंटायर थ्री फेज सिस्टम टू बी बैलेंस, कोई भी इंटायर थ्री फेज सिस्टम को बैलेंस बताना है तो उसके लिए कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है कि लाइन वोल्टेज है इक्वल होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में, तो ये सही है। दूसरी है फेज डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव लाइन वोल्टेज आर इक्वल, यानी फेज डिफरेंस इक्वल होना चाहिए, यानी 120 डिग्री फेज डिफरेंस जो भी है तीनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है इक्वल होना चाहिए। इम्पीडेंस ऑफ ईच ऑफ द फेज आर आइडेंटिकल, और प्रत्येक फेज की जो इम्पीडेंस है वो भी यहाँ पर आइडेंटिकल होनी चाहिए, तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना यहाँ पर जरूरी है, तो ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए थ्री फेज स्टार कनेक्टेड बैलेंस लोड कंज्यूम्स पी वाट ऑफ द पावर फ्रॉम ए 400 वोल्ट लाइन टू लाइन वोल्टेज सप्लाई, इफ द सेम लोड इज कनेक्टेड इन डेल्टा अक्रॉस द सेम सप्लाई व्हाट इज द पावर कंजम्पशन, तो पहले क्या है ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है वो 400 वोल्ट दे रखी है, थ्री फेज स्टार कनेक्टेड है, अगर इसको डेल्टा में कनेक्ट कर दें तो लाइन टू लाइन वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पावर कंजम्पशन पर, अगर पहले स्टार में कनेक्टेड है कोई चीज़ उसको डेल्टा में अगर कनेक्टेड कर रहे हैं तो पावर कंजप्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर पावर कंजप्शन है वो क्या होगी, यहाँ पर पावर कंजप्शन होगी थ्री फेज के अंदर, यानी कि पावर कंजप्शन विल बी थ्री पी डब्ल्यू। नेक्स्ट देखें,
ये थ्री फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम लोड कंज्यूम पी वाट ऑफ द, यानी पी वाट ऑफ द पावर फ्रॉम बैलेंस एंड सप्लाई। यदि सेम लोड इज कनेक्टेड टू डेल्टा, तो पहले क्या है स्टार में कनेक्टेड था, जैसे कि यहाँ पर पहले थ्री फेज सिमेट्रिकल लोड है वो स्टार में बाद में कनेक्ट कर दिया जाता है, पहले डेल्टा में कनेक्टेड है, जैसे कि यहाँ पर पहले स्टार में था बाद में डेल्टा में कनेक्ट किया है, यहाँ पर पहले डेल्टा था बाद में स्टार में कनेक्ट किया है, तो पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा थ्री फेज सिस्टम की पावर पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगी पावर, यहाँ पर पी बाई थ्री हो जाएगी पावर। नेक्स्ट हम देखें दी ए थ्री फेज थ्री वायर सप्लाई फीड ए लोड कंसिस्टिंग ऑफ थ्री इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन स्टार, ए वन ऑफ द रजिस्टर इज ओपन सर्किटेड। अगर तीन रजिस्टर स्टार में कनेक्टेड हैं उनमें से एक रजिस्टर क्या हो जाता है ओपन सर्किट हो जाता है, देन परसेंटेज रिडक्शन इन लोड विल बी, तो लोड लोड में परसेंटेज रिडक्शन क्या होगा 50 होगा। इन थ्री फेज थ्री वायर सप्लाई फीड ए लोडिंग लोड कंसिस्टिंग ऑफ ए थ्री फेज थ्री इक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन स्टार, इफ वन ऑफ द रजिस्टर इन ओपन सर्किटेड देन द परसेंटेज रिडक्शन इन द लोड विल बी 50। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि क्या है फोर ए थ्री फेज सर्किट शोन इन द फिगर द रेशियो ऑफ करंट आई आर आई वाई और आई वी, तो इनका रेशियो क्या होगा, जैसे कि दो के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक के अंदर रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है स्टार कनेक्शन है, तो कौन सी के अंदर रूट थ्री टाइम से मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पर, या यहाँ पर हम देखें जैसे कि आई आर की वैल्यू है यहाँ पर वन, आई वाई की वैल्यू है ये भी वन होगी क्योंकि दोनों के अंदर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, आई बी की वैल्यू क्या है इसके रूट थ्री आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा करंट का रेशियो। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि थ्री फेज सीक्वेंस ऑफ द थ्री फेज सिस्टम, तो वो थ्री फेज सीक्वेंस क्या होता है आर वाई बी, ये सीक्वेंस होता है वैसे नॉर्मली हम देखा जाए तो ये आर वाई बी हो जाएगा। द रेटेड वोल्टेज ऑफ थ्री फेज पावर सिस्टम इज गिवन बाय, थ्री फेज पावर सिस्टम का रेटेड वोल्टेज किसके द्वारा दिया जाएगा, थ्री फेज पावर सिस्टम का रेटेड वोल्टेज है आर एम एस लाइन टू लाइन वोल्टेज से दिया जाता है, यानी कि जो थ्री फेज पावर सिस्टम में जो रेटेड वोल्टेज दिखाते हैं आर एम एस वैल्यू लाइन टू लाइन वोल्टेज से दिखाते हैं। नेक्स्ट हम देखें टोटल इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड बाई थ्री फेज इज सप्लाइड टू ए बैलेंस आर सी लोड, तो बैलेंस आर सी लोड के द्वारा थ्री फेज इसी सप्लाई के द्वारा ये टोटल इंस्टेंटेनियस पावर है जो कि थ्री फेज इसी सप्लाई के द्वारा सप्लाई की जाती है टू ए बैलेंस आर सी लोड, वो कितनी अप्लाई की जाएगी, तो बैलेंस आर सी लोड है इसका मतलब क्या है हमें कॉन्स्टेंट यहाँ पर अप्लाई करनी होगी। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि टू रजिस्टर हैं, जैसे टू दो रजिस्टेंस दिखा रखे हैं टू रजिस्टर ऑफ इक्वल वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द लाइन बी एंड सी ऑफ द सिमेट्रिकल थ्री फेज 400 वोल्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज बिटवीन द लाइन ए एंड जंक्शन ऑफ रजिस्टर, उन दोनों के बीच में मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो 400 वोल्ट हमें यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है द टू रजिस्टर ऑफ इक्वल वैल्यू आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द लाइन बी एंड सी ऑफ सिमेट्रिकल थ्री फेज 400 वोल्ट सिस्टम के वोल्टेज दे रखा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज बिटवीन लाइन ए एंड जंक्शन ऑफ रजिस्टर भी, तो ये क्या होगा जंक्शन ऑफ रजिस्टर यानी लाइन ए के और रजिस्टर के बीच में वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू होगी 400 डिवाइड बाई अंडर रूट 3। टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर इन द थ्री फेज सर्किट द कैपेसिटर बैंक इज कनेक्टेड इन डेल्टा टू मेक, तो डेल्टा में कनेक्टेड किया जाता है कैपेसिटर, वो किस लिए हम कनेक्ट करते हैं, ताकि हम कैपेसिटेंस को क्या कर सकें, कैपेसिटेंस को अगर हम वेरी स्मॉल बना देंगे तो कैपेसिटेंस को अगर हम कम कर देंगे तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, तो पावर फैक्टर टू इंप्रूव द पावर फैक्टर इन थ्री फेज सिस्टम द कैपेसिटर बैंक इज कनेक्टेड इन डेल्टा टू मेक द कैपेसिटेंस वेरी स्मॉल। नेक्स्ट हम देखें द पावर डिलीवर टू थ्री फेज लोड कैन बी मेजर्ड बाई द यूज ऑफ टू वाट मीटर ओनली वहन, तो टू वाट मीटर मेथड से ही हम उस पावर को मेजर कर लेते हैं जो पावर डिलीवर की जाती है थ्री फेज लोड को, किस कंडीशन में मेजर कर सकते हैं जब थ्री फेज लोड इज कनेक्टेड टू सोर्स थ्रू थ्री वायर, अगर थ्री फेज लोड है सोर्स के साथ में थ्री वायर के द्वारा अटैच हो तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं पावर जो थ्री फेज लोड के द्वारा डिलीवर की जाती है उसको टू वाट मीटर मेथड से भी हम मेजर कर सकते हैं। इफ टू वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग दी पावर इन थ्री फेज सिस्टम वन ऑफ दी वाट मीटर रीड्स नेगेटिव, अगर कोई वाट मीटर नेगेटिव वैल्यू को टू वाट मीटर मेथड में कोई वाट मीटर है नेगेटिव वैल्यू को रीड कर रहा है या नेगेटिव वैल्यू दर्शा रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पावर फैक्टर है वो लेस देन है उसका 0.5। नेक्स्ट हम देखें
टू वाट मीटर मेथड ऑफ द पावर मेजरमेंट, वन ऑफ द वाट मीटर विल शो नेगेटिव रीडिंग व्हेन द लोड पावर फैक्टर एंगल इज स्ट्रिक्टली। तो अगर नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा है तो उस टाइम पर जैसे कि पावर फैक्टर है वो 0.5 होगा, तो इसका मतलब स्ट्रिक्टली वो क्या है, स्ट्रिक्टली कि ये बात कह देगा कि वो ग्रेटर देन 60 डिग्री होना चाहिए, यानी कि पावर फैक्टर एंगल है वो 60 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, पावर फैक्टर की वैल्यू है वो लेस देन 0.5 होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, व्हाइल मेजरिंग द पावर इन दी थ्री फेज लोड बाई टू वाट मीटर मेथड द रीडिंग ऑफ टू वाट मीटर विल बी इक्वल एंड अपोजिट। तो दोनों की रीडिंग इक्वल है लेकिन अपोजिट है, तो उस कंडीशन में हमें क्या बताएगा, दोनों की रीडिंग इक्वल और अपोजिट है इसका मतलब है लोड है वो प्योरली इंडक्टिव है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द टू वाट मीटर मेथड फॉर पावर मेजरमेंट इन थ्री फेज सर्किट। थ्री फेज सर्किट में टू वाट मीटर मेथड यूज करते हैं तो उसमें से कौन कौन से सेंटेंस है वो ट्रू हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है व्हेन द रीडिंग ऑफ टू वाट मीटर आर इक्वल बट इन अपोजिट साइन द पावर फैक्टर इज जीरो। तो टू वाट मीटर की रीडिंग इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन के साथ में है तो पावर फैक्टर है वो क्या होगा, जीरो होगा। जबकि यहाँ पर देखें टू वाट मीटर में रीडिंग ऑफ टू वाट मीटर विल बी इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या होगा, लोड है वो प्योरली इंडक्टिव होगा, इसका मतलब पावर फैक्टर है वो जीरो होगा। नेक्स्ट हम देखें, व्हेन टू वाट मीटर मेथड ऑफ मेजरिंग द पावर इन यूज टू मेजर द पावर इन बैलेंस थ्री फेज सिस्टम इफ वाट मीटर रीडिंग इज जीरो। वाट मीटर की रीडिंग अगर जीरो रखी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पावर फैक्टर है वो क्या है, 0.5 है, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट हम देखें, इफ द रीडिंग ऑफ टू वाट मीटर आर इक्वल एंड पॉजिटिव इन टू वाट मीटर मेथड द लोड पावर फैक्टर इन बैलेंस थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। तो पॉजिटिव दे रखी है तो लोड पावर फैक्टर है बैलेंस थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम में क्या होगा, तो वो होगा यूनिटी। इफ डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू आर द रीडिंग ऑफ द टू वाट मीटर यूज टू मेजर द पावर ऑफ थ्री फेज बैलेंस लोड द रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाई द लोड। तो लोड के द्वारा रिएक्टिव पावर कितनी डिलीवर की जाएगी, जबकि टू वाट मीटर की रीडिंग दे रखी है डब्ल्यू वन वन वाट मीटर की, डब्ल्यू टू सेकेंड वाट मीटर की, ये मेजर किए जा रहे हैं थ्री फेज बैलेंस लोड को सप्लाई मेजर करने के लिए। तो रिएक्टिव पावर लोड के द्वारा कितनी डिलीवर की जाएगी वो हमें बताना है। तो रिएक्टिव पावर डिलीवर की जाएगी अंडर रूट थ्री टाइम्स डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू टू। रीडिंग ऑफ 1154 एंड 577 वाट आर ऑब्टेंड व्हेन द टू वाट मीटर मेथड आर यूज टू बैलेंस ए लोड द डेल्टा कनेक्टेड लोड इम्पीडेंस फॉर द सिस्टम ऑफ 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट के सिस्टम के लिए डेल्टा कनेक्टेड लोड इम्पीडेंस फॉर द सिस्टम ऑफ 100 वोल्ट विल बी 5 एंगल 30 डिग्री। इफ द डेल्टा इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन स्टार कनेक्टेड सिस्टम इज इक्वल टू, तो डेल्टा कनेक्टेड क्या होगा, इस तरीके से निकालना पड़ेगा। इस तरीके से कैसे निकालेंगे, हम दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई दोनों का मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं, तो हमारे पास में आएगा 10 प्लस j 30। नेक्स्ट हम देखें, 0 से 300 वोल्ट वाल्ट मीटर है 2% ऑफ द फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इफ द ट्रू वैल्यू ऑफ इज 30 वोल्ट देन द रेंज ऑफ रीडिंग ऑन दिस वोल्ट मीटर विल बी, तो रेंज क्या होगी यहाँ पर 24 से 36 होगी इस टाइम पर रेंज। नेक्स्ट टाइम देखें, जैसे कि टू मेजर द 5 वोल्ट इफ वन सेलेक्ट 0 से 100 वोल्ट रेंज वोल्ट मीटर विच इज एक्यूरेट विद एन ±1% देन द एरर इन दिस इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर क्या होगी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर एरर होगी ±2%, क्योंकि 1% एक्यूरेट दे रखी है इसका मतलब ±2% होगी टू मेजर 5 वोल्ट। नेक्स्ट हम देखें, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मीटर इन द इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कौन से मीटर होते हैं,
एनर्जी मीटर होते हैं, वो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं। द मूविंग कॉइल यहाँ पर देखें, जैसे कि ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेड इनटू ए डीसी एमीटर बाय कनेक्टिंग। तो मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर है वो डीसी एमीटर में कनेक्ट कर दिया गया है, या डीसी एमीटर बना दिया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस अक्रॉस द मीटर। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेड इनटू द डीसी एमीटर। नेक्स्ट हम देखें, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ मिलीमीटर मस्ट बी वेरी लो। तो मिलीमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वेरी लो होता है। किस केस में? ये होता है मिनिमम फॉर मिनिमम इफेक्ट ऑन द करंट इन द सर्किट। एंड देन हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? यहाँ पर है लीड द करंट टू मूविंग कॉइल एज वेल एज प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क। तो जो स्पायरल स्प्रिंग्स आर यूज इन द इंस्ट्रूमेंट टू, तो स्पायरल स्प्रिंग्स हैं ये इंस्ट्रूमेंट में क्यों यूज की जाती हैं? ताकि लीड द करंट टू मूविंग कॉइल एज वेल एज प्रोवाइड द कंट्रोलिंग टॉर्क। नेक्स्ट हम देखें, इफ द इंस्ट्रूमेंट हैज स्क्वायर लो रेस्पॉन्स इट कैन बी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो ये किसके मेजरमेंट के लिए यूज किया सकता है? ये बहुत ए सी और डी सी के लिए यूज किया सकता है, अगर इंस्ट्रूमेंट है स्क्वायर लो रेस्पॉन्स को फॉलो करता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि द टॉर्क प्रोड्यूस इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बाई यूटिलाइजिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोडाइनमिक एंड थर्मल केमिकल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इज नॉन एज। तो वो टॉर्क प्रोड्यूस की जाती है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी? वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में प्रोड्यूस की जाती है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। द टॉर्क प्रोड्यूस इन द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बाई द यूटिलाइजिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोडाइनमिक थर्मल केमिकल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इज नॉन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। द कंट्रोलिंग टॉर्क इन द स्प्रिंग कंट्रोल मीटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो स्प्रिंग कंट्रोल मीटर में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो किसके द्वारा प्रोपोर्शनल होती है? वो प्रोपोर्शनल होती है थीटा के। द कंट्रोलिंग टॉर्क इन द स्प्रिंग कंट्रोल मीटर इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। द कंट्रोलिंग टॉर्क इन ग्रेविटी कंट्रोल मीटर यहाँ पर दे रखा है कंट्रोलिंग टॉर्क, इसके लिए क्या होगी? इसके लिए कंट्रोलिंग टॉर्क होगी साइन थीटा, जबकि स्प्रिंग कंट्रोल मीटर के लिए प्रोपोर्शनल टू होगा थीटा और यहाँ पर होगा साइन थीटा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि एट स्टेडी डिफ्लेक्टेड पोजीशन, एट ए स्टेडी डिफ्लेक्टेड पोजीशन ऑफ द इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट द मूविंग सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू। तो मूविंग सिस्टम किसे सब्जेक्टेड होगा? डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क। देन हेयर स्प्रिंग अटैच टू द मूविंग सिस्टम इज यूज टू प्रोड्यूस। तो हेयर स्प्रिंग है वो अटैच की हुई है मूविंग सिस्टम में, इसका उपयोग क्यों किया जाएगा? या यूज टू प्रोड्यूस कंट्रोलिंग टॉर्क। नेक्स्ट हम देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज इन द फैब्रिकेशन ऑफ स्टैम्पिंग रेजिस्टेंस इन पीएमएम इंस्ट्रूमेंट। स्टैम्पिंग रेजिस्टेंस बनाने के पीएमएम इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे मैंगनीज का यूज किया करेंगे, यानी कि ये मटेरियल यूज करते हैं। स्टैम्पिंग रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस विच इज एडेड टू द मूविंग कॉइल ऑफ मीटर टू। तो मूविंग कॉइल के साथ में हम इसको ऐड करते हैं जो स्टैम्पिंग रेजिस्टेंस है। स्टैम्पिंग रेजिस्टेंस इन ए रेजिस्टेंस विच इज एडेड टू मूविंग कॉइल ऑफ मीटर टू। रिड्यूस द टेम्परेचर एरर। तो ये टेम्परेचर को कम करेगा। नेक्स्ट हम देखें, इन पीएमएमसी 0 to 10 एम्पियर एमीटर इज नॉट प्रोवाइडेड विद द एनी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एंड मूविंग पार्ट आर फ्री टू रोटेट। इफ द करंट ऑफ 1 एम्पियर डीसी इज पास थ्रू द मूविंग कॉइल देन द इंस्ट्रूमेंट विल बी इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा? पॉइंटर विल बी कंटिन्यूसली रोटेट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एसोसिएट विद द मूविंग कॉइल और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो वो कौन कौन से स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट है दीज कैन बी यूज एज वेल एज डीसी एंड डीसी सर्किट। मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है डीसी एसी दोनों के लिए किए जाते हैं। और दूसरा क्या है? दूसरा है यहाँ पर स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो भी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की स्केल। मूविंग आयरन इज प्लेस्ड इन द फील्ड ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखें, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पॉइंटर इन द एन एमीटर इज।
फोर्स रेस्पॉन्सिबल है फॉर रिडक्शन ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ पॉइंटर इन द एमिटर वह डैम्पिंग टॉर्क है। नेक्स्ट हम देखें जैसे कि एडी करंट डैम्पिंग कैन नॉट बी यूज फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है उसमें एडी करंट डैम्पिंग हम यूज नहीं करते हैं। वो क्यों यूज नहीं करते हैं? क्योंकि द प्रेजेंस ऑफ द परमानेंट मैग्नेट विल डिस्टॉर्ट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाई द इंस्ट्रूमेंट एंड हिंस विल इफेक्ट इट्स रीडिंग। इस वजह से हम एडी करंट डैम्पिंग है वो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम यूज नहीं करते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ द मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज प्रोपोर्शनल टू, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के किसके प्रोपोर्शनल होती है? एल स्क्वायर के या फिर वन स्क्वायर के। नेक्स्ट हम देखें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में मूविंग आयर इंस्ट्रूमेंट है, तो मूविंग आयर इंस्ट्रूमेंट में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 I² dl/dθ। नेक्स्ट हम देखें स्क्वायर वेव टाइप वोल्टेज ऑफ द पीक मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट मेजर्ड बाई मूविंग आयरन वोल्ट मीटर। तो मूविंग आयरन वोल्ट मीटर कितना वैल्यू को मेजर करेगा यहाँ पर? 100 वोल्ट को मेजर करेगा या इससे ज़्यादा मेजर करेगा? तो यहाँ पर ये सिर्फ 100 वोल्ट को मेजर करेगा। स्क्वायर वेव टाइप अगर वोल्टेज है पीक मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट दे रखा है इसका, तो वोल्ट मीटर जो मूविंग आयरन वोल्ट मीटर है वो 100 वोल्ट ही मेजर करेगा। स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयरन वोल्ट मीटर ड्रॉ ए करंट ऑफ 1 mA फॉर द फुल स्केल वैल्यू ऑफ द 100 वोल्ट। इफ इट ड्रॉ ए करंट ऑफ 0.5 mA देन द मीटर रीडिंग इज, तो मीटर की रीडिंग अगर इस तरीके से आएगी तो मीटर रीडिंग हो जाएगी 25 वोल्ट। अगर 1 mA की जगह 0.5 mA कर ला रहे हैं हम करंट स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयरन ड्रॉ की वजह से, तो 50 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम देखें वन ऑफ द कंट्रोल स्प्रिंग ऑफ द परमानेंट मैग्नेट कॉयल एमीटर इज ब्रोकन इफ द कनेक्टेड इन द सर्किट द मीटर वुड रीड। अब हम देखें कि वन ऑफ द कंट्रोल स्प्रिंग ऑफ द परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल इज ब्रोकन इफ कनेक्टेड द सर्किट द मीटर वुड रीड। तो मीटर उस टाइम पर क्या रीड करेगा? ये मीटर रीड करेगा कि यहाँ पर मीटर 0 CC शो कर देगा ब्रोकन है अगर आ गई तो, यानी वायर वगैरह टूट गया है। एडवांटेज ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट इज दैट, PMMC इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज क्या है? PMMC इंस्ट्रूमेंट का एडवांटेज है कि हाई टॉर्क टू वेट रेशियो ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ रेशियो। नेक्स्ट हम देखें जैसे PMMC टाइप एमीटर एंड मूविंग आयरन टाइप एमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए रेजिस्टिव सर्किट फीड फ्रॉम द आउटपुट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर वोल्टेज। नेक्स्ट इफ द वोल्टेज आयरन टेक्स रीड 5 एम्पीयर देन द PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट इज लाइकली टू, तो PMMC टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? 3.18 एम्पीयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? द डिफ्लेक्शन ऑफ द हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट इज डिपेंड, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का डिपेंड डिफ्लेक्शन है किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है RMS वैल्यू ऑफ द AC करंट। ए थर्मोडाइनमिक एमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ एट 10 mA बाय द मीटर रीड 1/5 ऑफ द स्केल ऑफ करंट है। तो 1/5 स्केल ऑफ करंट करेंगे तो क्या होगी वैल्यू? वो हो जाएगी 7.47 A। रेक्टिफायर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्ड टू, रेक्टिफायर में जो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट है, रेक्टिफायर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्ड टू, तो किसके प्रति रेस्पॉन्ड होंगे? ये रेस्पॉन्ड होंगे एवरेज वैल्यू ऑफ द ऑल वेव फॉर्म। रेक्टिफायर मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज रेस्पॉन्ड टू एवरेज वैल्यू फॉर ऑल वेव फॉर्म। नेक्स्ट हम देखें एन आर्क वोल्टेज, एन आर्क वोल्टमीटर यूजिंग फुल स्केल
रेक्टिफिकेशन एंड हैविंग ए साइनसोइडल इनपुट हैज ए सेंसिटिविटी इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, सेंसिटिविटी इक्वल टू ए मूविंग एसी वोल्टमीटर यूजिंग फुल स्केल रेक्टिफिकेशन हैविंग ए साइनसोइडल इनपुट हैज ए सेंसिटिविटी इक्वल टू क्या होगा, 0.9 टाइम्स डीसी सेंसिटिविटी फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इंडक्शन एमीटर है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, अगर करंट सिचुएशन में देखा जाए तो ये होगा करंट स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखें द गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑफ ए इंडक्शन एमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इंडक्शन एमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा करंट स्क्वायर के। द स्केल ऑफ वोल्टमीटर यूनिफॉर्म, तो स्केल है वोल्टमीटर की वो यूनिफॉर्म है, तो ये किस तरह का टाइप है, मूविंग कॉयल परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पर देखिए स्केल ऑफ वोल्टमीटर इज यूनिफॉर्मली, इट्स टाइप ऑफ मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एसी ओनली, एसी मेजरमेंट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं, यहाँ पर ओनली इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है, एसी को बनाने के लिए लगाया गया इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग बॉडी मेजरिंग एसी ओनली। दी इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ए सी ओनली, तो ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ ए सी को ही पाते हैं, तो वो है यहाँ पर हम देखें जैसे कि इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ओनली इंडक्शन टाइप। नेक्स्ट हम देखें द डीसी एमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम एंड इट्स करंट रेंज 0 to 100 एम्पीयर, इफ द रेंज टू बी एक्सटेंडेड 0 to 500 एम्पीयर देन द मीटर रिक्वायर द फॉलोइंग शंट रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से शंट रेजिस्टेंस सकते थे, ये जो क्या 0.025 ओम, बाकी जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।